हेलो दोस्तों, क्या आप लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हो? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करूंगा जो गवर्नमेंट ने अभी अभी लॉन्च की है, जिसकी बात पूरे देश में है, जिसके अंदर हमारे कंट्री के जो यूथ हैं उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आर्मी में सर्व करने की, और इस स्कीम का नाम है अग्निपथ। जी हाँ दोस्तों, आपने इसके बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं कि अग्निपथ के बारे में, बट बहुत से लोग को ये डाउट होता है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या इस स्कीम के लिए है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगी। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने जाएंगे। तो ये अग्निपथ स्कीम मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि आपको मिलिट्री में चांस मिलेगा, मिलिट्री में सर्व करने का मौका मिलेगा। ये एक्चुअली में देखने जाए तो ये यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन लिया है, जिसके अंदर हमारी कंट्री के यूथ को एक एट्रैक्टिव रिक्रूटमेंट स्कीम प्रोवाइड की गई, जिसके अंदर उनको आर्म फोर्स में काम करने का मौका मिलेगा, और इस स्कीम का उन्होंने नाम रखा अग्निपथ। इस स्कीम के अंदर जितने भी यूथ को सिलेक्ट किया जाएगा, जितने भी यूथ को रिक्रूट किया जाएगा, उनको हम लोग अग्निवीर के नाम से जानेंगे, अग्निवीर्स उनको कहा जाएगा। और ये जो स्कीम है, ये जो स्कीम अनाउंस हुई है, ये एक ऐसी विंडो है अपॉर्चुनिटी की, जिसके अंदर कोई भी यूथ 4 साल के लिए इस देश में अपनी सेवा दे पाएगा, यानी कि वो सर्व कर पाएगा इंडियन मिलिट्री के अंदर, और इसकी जो इनकम होगी वो भी बहुत अच्छी खासी है, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा कि अगर कोई भी अग्निवीर बनता है तो उनकी क्या इनकम रहेगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसा भी सुनने में आया है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 4 साल के बाद उनको 11 लाख रुपीज भी मिलेंगे। तो उन सब के बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, तो आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बात करें तो इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो इसका जो पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन रहेगा, और उसकी डेट 24 जून से होगी, यानी कि 24 जून से 5 जुलाई तक। याद रखना कि 5 जुलाई के बाद ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। और एग्जाम डेट की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम ली जाएगी 24 जुलाई 2022 पे। अब ऑनलाइन एग्जाम यानी आपको घर बैठे नहीं देनी है, इसके पर्टिकुलर एग्जाम हॉल होंगे, एग्जाम सेंटर होंगे, जहां पे जाके आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी होगी। तो आपके नजदीकी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी एग्जाम सेंटर्स, अब वहां पे जाके एग्जाम दे सकते हो, और ये पूरा पैन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में ये अलग अलग एग्जाम सेंटर्स दिए जाएंगे, आपके नजदीकी एरिया में आप जाके एग्जाम दे सकते हो। आगे बात करें तो गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट क्या है, कितने लोग को वो रिक्रूट करने वाले हैं, तो इस साल उन लोग ने प्लान बनाया, यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेस है उन्होंने प्लान किया है कि वो टोटल 46,000 यूथ को रिक्रूट करेंगे, जिनको हम अग्निवीर्स कहेंगे इस स्कीम के अंडर। आगे हम लोग बात करें तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में अगर मान लो आपने 10th पास की है तो आप इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हो। आप लोगों ने अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट है तो आप इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हो, और आपने 12th पास कर ली है तो भी आप इस स्कीम के अंडर एलिजिबल मानो जाओगे, या तो फिर आपके पास इक्विवेलेंट मार्कशीट हो। एक और कंडीशन है, अगर मान लो आपने 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है तो उसकी जो फाइनल मार्कशीट होगी ना, वो भी दिखा के आप इसके अंदर रिक्रूटमेंट फॉर्म भर सकते हो। बट इसमें याद रखना कि वही लोग जिन्होंने गवर्नमेंट रेकोग्नाइज पॉलिटेक्निक से किया हो, वही लोग इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, और आपके पास अगर मान लो मैट्रिकुलेशन मार्कशीट है, ठीक है, बट उसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, ये मार्कशीट में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, तो चलेगा, कोई बात नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करें तो अगर मान लो आपने 2 ईयर्स का वोकेशनल कोर्स किया है, आपके पास उसकी मार्कशीट है, तो आप एलिजिबल हो। बट नॉन वोकेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने नॉन वोकेशनल, उनको 3 सब्जेक्ट की जरूरत रहेगी, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में बात की, तो आप 18 साल के नहीं हो, उससे 17 साल के भी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, बस आपकी 10th पास होनी चाहिए या तो 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें अपलोड करने के रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो भी कलर फोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा, और वो जो फोटोग्राफ रहेगा उसके अंदर एक बोलते प्रोसीजर है, मतलब आपको वो जो पासपोर्ट साइज का फोटो है ना, उसमें आपको एक स्लेट लेके खड़े रहना है, और उस ब्लैक कलर की स्लेट पे आपको व्हाइट कलर से आपका नाम और आपके फोटो खींचने की तारीख वो यहाँ पे लिखने की रहेगी,
और उसके बाद इसको ऑनलाइन अपलोड करना होगा उस फोटो को। उसकी साइज होनी चाहिए 10 to 50 KB की, ठीक है। अगर मान लो आप पासपोर्ट साइज फोटो नहीं हो, आप नॉर्मल भी फोटो खींच रहे हो, तो वो 10 to 50 KB होना चाहिए। पासपोर्ट साइज मतलब कि वो एक छोटा सा फोटो होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो ये जो व्हाइट चॉक से आप लिखोगे वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ये भी चीज आप क्लियरली ध्यान रखना, ठीक है। अब कैंडिडेट जो है उनका लेफ्ट थंब का जो इम्प्रेशन यानी कि हम लोग इमेज कहेंगे वो भी आपको अपलोड करने की रहेगी, ठीक है। और उसकी साइज भी कितनी होनी चाहिए, 10 to 50 KB की। यानी कि आपको एक जगह पे एक पेपर पे आप क्या करना, जो थंब है उसको आप इंक लगा के आप वहां पे थंब प्रिंट ले लेना और उसकी जो फोटो है वो क्लिक करके वहां पे आप वेबसाइट पे जाके अपलोड कर सकते हो, और उसकी वेबसाइट की लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो जो कैंडिडेट की जो सिग्नेचर इमेज है वो भी 10 to 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अब मान लो कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी है जिनकी उम्र 18 साल से छोटी है, ठीक है, तो उन लोग को अपने कैंडिडेट को अपने पेरेंट्स यानी कि आपके मदर फादर हो या आपके कोई गार्डियन हो उनकी सिग्नेचर चाहिए रहेगी, अगर आपकी 18 साल से छोटी है। बट 18 साल से बड़े हो तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो इसके अंदर जो मार्कशीट है, ठीक है, वो भी अपलोड करने की रहती है, जिसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी अगर आप डिप्लोमा से हो तो, ठीक है। बट आपने 10th 12th पास किया है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज 10th 12th में ऑलरेडी इंग्लिश सब्जेक्ट आता ही है। आगे हम लोग बात करें तो एग्जामिनेशन इसकी फी क्या है, तो आपको इसकी जो एग्जामिनेशन फी है वो 250 रुपीज है, और ये जो 250 रुपीज है वो आपको ऑनलाइन पे करने की रहेगी। अब मैं बात करूं कि जिन लोगों के पास ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, तो उन लोग को क्या करना है, तो आपके नजदीकी एक्सिस बैंक के ब्रांच में जाके आप चालान पेमेंट कर सकते हो, और जिसकी 250 रुपीज आपको वहां जाके कैश फी पे करनी होगी, ठीक है। बट ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है। आगे हम लोग बात करें तो इसमें आपका वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर होगा तो ही जाके आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड मानी जाएगी, ठीक है। आपका ईमेल आईडी भी इम्पोर्टेंट है, मोबाइल आईडी भी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि मोबाइल नंबर इम्पोर्टेंट है, तभी जाके आप सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और हम लोग एक और वीडियो लाएंगे कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, जो कल से शुरू है यानी कि 25 डेट से शुरू हो रही है, उसकी पूरी प्रोसेस भी हम लोग बताने वाले हैं। आगे बात करूं मैं तो इसमें जो कैंडिडेट है उसको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप जम्मू कश्मीर से हो, आसाम से हो, या तो आप मेघालय से हो तो आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके पास है तो डाल सकते हो। बट अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है इन स्टेट तीन स्टेट में से तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और आखिर में हम लोग बात करें तो इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो क्या होगा, कैसे होगा, तो ध्यान से सुनना। कैंडिडेट जो है उनको अपने नजदीकी एग्जाम सेंटर में पहुंचना होगा, जिसमें आपको अपनी कलर प्रिंटआउट जो आपका एडमिट कार्ड है ना उसकी कलरिंग प्रिंटआउट लेके जानी है, और जो कैंडिडेट होगा उसको अपना आधार कार्ड भी लेके जाना है, जो आपने आज एज अ प्रूफ आइडेंटिटी, ठीक है, एज अ प्रूफ आइडेंटिटी आधार कार्ड कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है तो आप जल्द से जल्द आधार कार्ड निकलवा लीजिए और फिर यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। और इसमें आपको जब भी आप वहां जाते हो तो आपको सिलेक्शन टेस्ट होगा, दो ही टेस्ट होंगे, एक सिलेक्शन टेस्ट जो यहाँ पे मैंने लिखा है और एक होगा मेडिकल टेस्ट। अब ये जो सिलेक्शन टेस्ट होगा वो दो फेज में होगा, फेज 1 एंड फेज 2, और फिर लिया जाएगा मेडिकल टेस्ट। अगर कोई भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर, आसाम या मेघालय से है तो अगर आपके पास मान लो आईडी कार्ड नहीं है यानी कि आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना कोई और वैलिड आईडी कार्ड लेके जा सकते हो जिसमें आपकी फोटो हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग ने आज बात की कि आप कैसे एलिजिबल हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इस स्कीम के बारे में, इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।